Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page, Farooqui Media Service on YouTube and Facebook. अगर उसको तवज्जो के साथ हमारे बच्चे जो नौजवान हैं वो सुन ले तो इंशाअल्लाह भला होगा। हमारे यहाँ आम तौर पर रमज़ान मुबारक के आने से पहले थोड़ा बहुत हंगामा होता है कि हाँ रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान। उसके बाद में दो तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन जोश व खरोश के साथ पुराने नमाजियों के साथ नए नमाजी भी मिल जाते हैं। उसके बाद में अब तो पता चल लिया, पेट भर गया, ज़्यादा धीरे धीरे उस जोश में कमी आने लगती, उस जोश में कमी आने लगती, फिर ये कमी जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। बिल्कुल कहता सुनता है, जमात वाले खड़े हो जाते हैं या जैसे लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भैया नमाज पढ़ो, मस्जिद में आओ, रोज़ा रखो, ये करो वो करो, आ जाते हैं। फिर जब कुरान मजीद ख़त्म हो जाता है तो समझते हैं अब तो सात समंदर पार कर लिए, अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं, तरावी भी नहीं पड़ेगा, अभी का काम होगा। क्या समझते हैं आप, साल भर जो है यही काम करते रहे, ईद की कोई दुकानदारी नहीं होती है। आप खुद गौर कीजिए, पता नहीं कितने आदमियों ने इस तरह से बात की, अपने की कभी की। अल्लाह क्या कहते हैं कि पहले शुरू शुरू में जब बच्चा होता है तो सांस सही रहेगी, धीरे धीरे सांस कम होती जाएगी, कोई तैयार है इसके लिए? आज 70-75 साल का बुढ़ा भी यही कहे, इन्हें हम जैसा आदमी भी यही कहे, वैसी सांस होना चाहिए जैसी बच्चों को होते, कहेगा नहीं कहेगा? शुरू शुरू में बड़ा जोश था, पैदा हुए थे तो ज्यादा तुम्हें ऊंचा कर दिया, तुम खुद अपने आप को संभालो। एक सेकंड के लिए हम संभाल नहीं सकते, एक सेकंड के लाखों हिस्से में अपने आप को संभाल नहीं सकते अगर अल्लाह की नुसरत। एक महीने का मसला है, एक बोला पता नहीं कितनी मुसीबतें आ जाए, अल्लाह के बंदो सोचो जरा। हम तुम्हारे अपने हैं, उससे मैं नहीं कह रहे, अदावत में नहीं कह रहे, मोहब्बत में कह रहे, और ऐसी आग से बचाने के लिए कह रहे हैं कि जो अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए, तुम्हारी भी हिफाजत फरमाए। उसका नक्शा दुनिया में नहीं किया जा सकता है। ऐसी मुसीबत अल्लाह को राजी करना असली चीज है, यही मकसद नमाज का है, यही मकसद रोजे का, यही मकसद रमजान का, यही मकसद नेक और अच्छी और भलाई कमाई का है। अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो जाए। चार पारे पढ़े, पांच पारे पढ़े तिलावत, छह पारे पढ़े, दस पारे पढ़े। दस पारे पढ़ने वाले माशाल्लाह यहाँ भी मौजूद कि जो दिन में दस पारे पढ़ते, अगर चार पारे पांच पारे को दो मरतबा पढ़ो तो दस पारे हो गए, ऐसे मौजूद है यहाँ, और शहर में भी है, मेले में भी हो गया और सब जगह है। तो ये दस पारे एक दिन पेट में दर्द हुआ नहीं हो पाया, आफत मचा दी, पूरा शरीफ नहीं हो पाया, जितना पढ़ते थे उतना नहीं पढ़ पाया, उसका जवाब मालूम नहीं। मैं अगर एक आयत तुम्हारी कबूल हो जाए तो ना जा, एक आयत मैं वहां मस्जिद नबी शरीफ में, पता नहीं मैंने ये वाकया बताया है, तो पहली मरतबा गया था सन 1976, लगभग 50 साल। तो के पीछे मस्जिद नबी शरीफ एक साहब आया, बराबर बेटा मैं उनको जा रहा हूँ, उनको दे जाने आज सुबह जल्दी जल्दी पढ़ा हूँ, जमाने में पाँच पाँच पारे और तीन तीन पारे और चार चार पारे चलाते, वो आगे बिल्कुल करीब है, कलना तो सिर है मेरी, जल्दी मत करो। रत्तिलिल कुरआन तर्तीलन वलव काना क़लीलन, कुरान को सहज ठहर के पढ़ो तरकीब के साथ, पर चाहे कभी क्यों ना हो। ऐसा लगा कि जैसे मालूम था सीने के ऊपर कोई आदमी एक चोट मार रहा है और दिल उनकी तरफ लग रहा है, वो आदमी गायब हो।
उसके बाद से मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन उसके बाद से आज तक मैंने कुरान जल्दी भी नहीं पढ़ा। जल्दी का मतलब पढ़ते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, ऐसा पढ़े तो इंशाअल्लाह सुनने वाले जो पीछे होंगे उनके समझ में सब आएगा, चाहे तेज हो। ये मैंने क्यों कहा, उसके साथ आपने बाकी तैयार करने के लिए नहीं, उनके कहने का मकसद ये था कि अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए ऐसी इबादत करो, इबादत करके छोड़ देना ये तो एक अजीब सी बात है। मतलब कल जो इबादत कर रहे थे वो कैसी थी जो तोड़ छोड़ दिया, अल्लाह कैसा है जिसे आज माना हो कल नहीं मान रहे, चाहे कौन से हो चाहे अमर से हो, अल्लाह कैसा है। अल्लाह को मानने का जो लहरा है नंदा मोहम्मद रसुल्ला पा जो इयाकना बुलू व इयाकना नस्तईन पढ़े, तो क्या मतलब कल छोड़ देंगे उसे। अल्लाह के बंदो और तेरी मतलब कलेजे के टुकड़ों वो बच्चे कि जो उठ रहे हैं बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह उनसे मैं कह रहा हूँ अल्लाह के वास्ते मस्जिद न छोड़ो, मस्जिद न छोड़ो, नमाज न छोड़ो। नमाज तो रोज की और नमाज का मरतबा रोजे से भी ज्यादा बड़ा हुआ, रोजा तो एक महीने का है और नमाज तो जब से वाजिब हुई है उस वक्त तक है नमाज जब तक कि तुम्हारा होश हवास चला, जब होश हवास खत्म हो जाए तो फिर तो नमाज नहीं पढ़ो तो तुम्हारी नमाज पढ़ी जाएगी। अल्लाह हम सबको ईमान के साथ दुनिया में जिंदा रखे और ईमान के साथ उठाए। ये महीना ऐसा है कि मस्जिद में आके थोड़ी देर बैठो, क्यों ये बताइए, आप बड़े जरूरी काम से जा रहे हैं लेकिन आपके पास 5 मिनट का वक्त है और खूब ठिठुरना है सर्दी में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, और अलाव जल रहा है कहीं 2 मिनट के लिए खड़े हो गए या नहीं हो, या थोड़ी सी देर नहीं आ जाए हाथ पैर तो खुल जाए, जैसे मोटरसाइकिल के जो स्टीयरिंग है वो पकड़ ले, हाथ पैर तो खुल जाए जरा जल्दी। ये गाय ये गाय के लिए कर तुम जाओ अपना काम करो, टाइम क्यों बर्बाद करो, यहाँ आपके पास खड़े हो गए आपने जगह नहीं, बहुत सारे लोग बैठे हुए। मालूम ये हुआ कि आपके पास जो लोग गर्मी हासिल कर रहे हैं अगर चलता हुआ आदमी बैठने के लिए नहीं आए गुजरने के लिए आए तो थोड़ी बहुत गर्मी उसे भी लगे, यहाँ तक मस्जिद में आओ उसमें रहमत ही रहमत बरकत ही बरकत है। मगर यहाँ दुनिया की बात नहीं होगी, यहाँ बातें नहीं होंगी, या ये तो कुरान होगा या अल्लाह 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 कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं क्या मालूम यही कबूल हुए और यह कबूल हो जाए नजात हो जाए। तस्बीहात में नहीं है तस्बीहात तो वैसे ही अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। मेरे भाई गौर करो ये महीना चला जाएगा नहीं, क्या मालूम हम जाएंगे ये महीना जाए, अब चंद दिन बाकी रह गए, अब 3-4 दिन बाद 4 दिन के बाद आज 16 तारीख हो गई, आखिरी अशरा शुरू हो रहा है और एक एक करके दिन गुजर रहा है। लिहाजा यहाँ मस्जिद में आओ बैठो कुरान की तिलावत करो, नई कुरान की तिलावत जब आओ मस्जिद में चाहे जिस काम से आओ, अल्लाह की जब तक हम मस्जिद में हैं हमें इतिकाफ सुन्नत की सवाब अता फरमाए, हम नियत करते हैं इतिकाफ की बस, फिर बैठ जाओ आकर के बैठे ही बैठे रहो फिर चले जाओ, जैसे आपके पास बैठते हो जैसे एयर कंडीशन में बैठते हो इसी तरीके से मस्जिद में अल्लाह की रहमत ही रहमत है। सुभान अल्लाह व बिहमदिही सुभान अल्लाह व बिहमदिही अशहदु अन ला इलाहा। Don't forget like, share, comments and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqui Media Service on YouTube and Facebook.